हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज शर्मा और मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट्स लाइफ स्किल्स। और आज जिस स्किल के बारे में बात करेंगे उसके लिए कुछ कैलकुलेशन, कुछ मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। और आपने देखा भी होगा कि मैंने यहां पर एक टेबल लिखने की कोशिश की है और अभी ये टेबल पूरा नहीं लिखा। आप मेरी हेल्प करेंगे इस टेबल को पूरा करने में, रेडी हैं? और फिर हम देखेंगे कि इस मैथमेटिक्स, इस टेबल की हेल्प से हम ऐसी कौन सी स्किल सीखने वाले हैं। थोड़ा सा वीक हूं मैथमेटिक्स में तो इसलिए हेल्प कीजिए मेरी। चलिए इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 6 जा 40 7 7 जा 49 7 8 जा 56 7 9 जा 63 एंड 7 10 जा 70। ये मैंने 7 का टेबल लिखा। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? रियली वेरी सॉरी, ये गलती से लिख दिया मैंने। 7 6 जा 42 होना था, मैंने गलती से 40 लिख दिया। यस, आपने भी यही नोटिस किया था क्या? एग्जैक्टली। और हियर इज आर लर्निंग ऑफ टुडे। यहीं पे वो रूल है, यहीं पे वो लर्निंग है जो हम सीखेंगे। दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी कि हम इस तरीके से डिजाइन है, हमारा माइंड इस तरीके से डिजाइन है, हम इस तरीके से प्रोग्राम है कि वी आर द एक्सपर्ट टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। हम एक्सपर्ट हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी थिंग में मिस्टेक्स फाइंड आउट करने के। इंस्टेड ऑफ दैट हम ये भूल जाते हैं कि इस पर्सन ने कम से कम 9 टाइम्स इस टेबल को करेक्ट लिखा है, हम उसे उसके काम के लिए अप्रिशिएट करें। बट हम क्या हैं, हम एक्सपर्ट हैं मिस्टेक्स फाइंड आउट करने के और हम उसे बताते हैं कि किसी भी सिचुएशन में जैसे हमारे पास कोई काम लेकर के आता है, हमारे सबसे पहली कोशिश क्या होती है, क्या होती है कि इसने गलत कहां पर किया है और हम उसकी गलतियां सबसे पहले उसे बताते हैं कि तूने यहां गलत किया है, तूने ये रॉन्ग किया है। जबकि होना क्या चाहिए, रूल ये है, एप्रिशिएट एप्रिशिएट एंड एप्रिशिएट, एप्रिशिएट फॉर द गुड वर्क एंड नेग्लेक्ट द मिस्टेक। नेग्लेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप फॉल्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं, बट आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप उसे बताएं कि 9 टाइम्स उसने करेक्ट किया है, दैट्स रियली गुड, और उसके मिस्टेक को मिस्टेक वर्ड ना दे करके आप उसे बताएं कि यहां पर इंप्रूवमेंट आपने करनी है। इंप्रूवमेंट वर्ड दीजिए, करेक्ट वर्ड, करेक्शन वर्ड दीजिए इसे इंस्टेड ऑफ मिस्टेक। So rule is clear to you. Rule is appreciate for the good work and ignore the mistakes. और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ challenges आएंगे, कुछ चीजें आपको रोकेंगी और कैसे आप उन्हें overcome कर सकते हैं, let's talk about it, किस तरीके से आप ये habit अपने अंदर develop कर सकते हैं। जब आप इसे implement करने की कोशिश करेंगे, जब आप इसे apply करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, आपकी पुरानी हैबिट्स आपको ऐसा करने से रोकेंगी, वो स्टॉप करेंगी आपको, क्योंकि हम तो कंडीशन हैं, हम तो प्रोग्राम हैं किस तरीके से मिस्टेक्स फाइंड आउट करने में। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, यहां पर मैं कह रहा हूं आपसे कि आपने उसमें पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है, आपने उसमें अच्छी चीजें ढूंढनी है। तो जो हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग है माइंड की, वो हमें ऐसा करने से रोकेंगी। देन व्हाट यू हैव टू डू, You have to do one work. And what is that? कि आपने consciously इसके ऊपर काम करना है, यानी आपको attention pay करनी है कि मुझे इस person के अंदर qualities find out करनी है या इसके work को appreciate करना है, तो कौन कौन सी चीजें हैं। You have to find out consciously. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने कभी कोई vehicle चलाना सीखा हो, आपने कोई बाइक चलानी सीखी हो, कोई साइकिल चलानी सीखी हो, कोई कार चलानी सीखी हो, तो कैसे सीखी थी आपने?
जब आपने स्टार्टिंग में चलाना सीखा, साइकिल सीखी होगी, तो कितने कॉन्शियसली होकर के आप उसे चलाते थे। या बाइक चला रहे हैं तो भी बिल्कुल ऐसे बैठे हुए, कार चला रहे हैं तो भी बड़े स्ट्रेट होकर के ड्राइव कर रहे हैं, कब गियर लगाना है, कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलेटर प्रेस करना है, बहुत सोच सोच करके, और करते करते भी मिस्टेक हो जाती थी। सेम यहां पर भी होगा, जब आप इस क्वालिटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो कई बार आपसे मिस्टेक होंगी, लेकिन जितना कॉन्शियसली आप इसे करेंगे, प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे आप इस चीज में एक्सपर्ट हो गए हैं। फिर आपको लोगों के अंदर क्वालिटीज ढूंढने के लिए टाइम नहीं लगाना, यू विल बी द एक्सपर्ट, कि आप किसी भी पर्सन की क्वालिटीज फटाफट फाइंड आउट कर लेंगे कि इस पर्सन में ये क्वालिटी है, क्योंकि आपका फोकस चेंज हो चुका होगा, आपका देखने का नजरिया चेंज हो चुका होगा, आपके अंदर ये एबिलिटी आ चुकी होगी कि आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन के अंदर क्वालिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका फोकस चेंज हो चुका होगा, मिस्टेक फाइंड आउट करने की जगह उसकी पॉजिटिव थिंग्स निकाल लेंगे, उसकी पॉजिटिवनेस निकाल लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर आप अब सीख चुके हैं ड्राइव, तो अभी भी उतना कॉन्शियसली चलाते हैं क्या? आप बाइक पे बैठते हैं, किक मारते हैं और फटाफट पहुंच जाते हैं। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव भी कर रहे होते हैं, गाने भी चल रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं, और साथ में कोई पर्सन होता है उससे बातें भी कर रहे होते हैं, और कोई कोई तो यस सिगरेट भी लगा रहा होता है, सिगरेट के दम भी लगा रहा होता है। यानी फिर आपको एक बार ये आपकी हैबिट हो गई, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें जाने स्टार्ट हो गई, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनिशियली आपको कॉन्शियसली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने बड़े बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट एंड इग्नोर द मिस्टेक, देन व्हाट विल हैपन। सीधा सा पढ़ना, ध्यान रखें कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर, एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर नेगेटिव से नेगेटिव पर्सन की प्रोडक्टिविटी, नेगेटिव से नेगेटिव पर्सन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और एक नेगेटिव एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिव से पॉजिटिव पर्सन की एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी कम होगी। इफ यू विल फॉलो दिस रूल कि आपने मैक्सिमम टाइम पर्सन को एप्रिशिएट करना है, और जहां पर उसकी मिस्टेक है उसे करेक्शन वर्ड दे करके या इंप्रूवमेंट वर्ड दे करके सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना है, ज्यादा फोकस एप्रिशिएट पे करना है, तो आप देखेंगे आप एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं जहां पे हर एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। लोग आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, लोग आपको लाइक कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं और आपको फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी पर्सन के अंदर कुछ क्वालिटी है ही नहीं, तो आप ये सोचें कि एक बंद घड़ी भी एटलीस्ट दिन में 2 बार तो टाइम सही देगी ही देगी, तो क्वालिटी तो होगी। यू हैव टू फाइंड आउट, आप अपना फोकस मूव कीजिए, आप ट्राई कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। एंड जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक अच्छे लीडर हैं, आप एक अच्छे मैनेजर हैं, आप एक अच्छे फादर या अच्छे पेरेंट हो सकते हैं, एक अच्छे सिटीजन हो सकते हैं, और आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो काफी पॉजिटिव है, खुशनुमा एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर पाते हैं। आई होप मेरा मैसेज आपको क्लियर होगा। अप्रिशिएट एंड इग्नोर द मिस्टेक, और इससे आप लोगों में टैलेंट भी डेवलप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हो सकता है इसके ऊपर मैं कोई दूसरी वीडियो डालूं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।